गाइस, फिलहाल हाल ही में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी मतलब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 200 ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल का अप्रूवल दिया है। ये जो मिसाइल है इंडियन नेवी के लिए उपयोग में दी जाएंगी, मतलब ये सारी जो डिलीवरी होगी इंडियन नेवी को होगी। अगर हम ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल की बात करें तो ये एक एडवांस वर्जन है ऑफ द ब्रह्मोस मिसाइल, और साथ में इसके फीचर में कुछ इम्प्रूवमेंट भी है। अगर हम ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल की बात करें तो जो इसकी मारक क्षमता है 900 किलोमीटर है, लेकिन इनिशियली जब प्रारंभिक तौर पर जब ब्रह्मोस मिसाइल को डेवलप किया गया था तो इसकी जो मारक क्षमता थी इसको 300 किलोमीटर के अंदर रखा गया था। रीजन ये था कि भारत ने उस समय MTCR ट्रीटी को साइन नहीं किया था। अगर हम MTCR ट्रीटी को साधारण शब्दों में बात करें तो एक मिसाइल रेजिम की ट्रीटी है। कोई भी देश अगर इस ट्रीटी को साइन नहीं करता है तो उसको दूसरा देश जो भी मिसाइल 300 किलोमीटर ज़्यादा होगी उसको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। मतलब इस ये जो ट्रीटी है मिसाइल की टेक्नोलॉजी को अनरेगुलेटेड जो मतलब ट्रांसफ़र की जाती है उसको रोकता है। मतलब ये इसका मतलब ये है कि किसी भी अनऑथराइज पर्सन को ये टेक्नोलॉजी न दी जाए अगर वो MTCR ट्रीटी साइन नहीं किया है। उसके बाद ये जो एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल है इसमें जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाया गया है। जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होती है अगर हम इसकी बात करें तो ये इंश्योर करता है कि इसको डिटेक्ट करना काफ़ी मुश्किल हो। मतलब ये जब ये लॉन्च की जाएगी तो दुश्मन के जो भी रडार होंगे या ओपोनेंट के रडार होंगे और विरोधी के, वो इसको डिटेक्ट करने में इनके लिए काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। तो ये इम्पोर्टेंट फीचर है मिसाइल का, पहले से और सटीक हो गई है। मतलब जो इसका स्ट्राइक होगा काफ़ी प्रिसिशन होगा, सटीक होगा, मतलब जहाँ पर हम टारगेट करना चाहते हैं उसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी उस टारगेट को हिट करने की। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट इम्प्रूवमेंट हुए हैं। 2016 में भारत ने MTCR जो ट्रीटी थी उसको साइन किया था, तब से भारत ने इसके जो ब्रह्मोस चाहे और सारी मिसाइलें हैं उसका रेंज बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। अगर हम ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें तो ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, और साथ में जो ब्रह्मोस एरोस्पेस है उसका वो कहता है कि ये विश्व की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है। इसका जो नाम है दो नदियों के नाम में पड़ा है, एक नाम ब्रह्मपुत्रा दूसरा नाम मॉस्कोवा। ब्रह्मपुत्रा जो है भारत की नदी है, ट्रांसबाउंड्री नदी है, और मॉस्कोवा एक रशियन नदी है। ये जो मिसाइल सिस्टम है तीनों सेनाओं के द्वारा यूज़ किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है, वो है इंडियन नेवी, एयरफोर्स एंड आर्मी। ये फायर एंड फॉगेट पे कार्य करता है। अब आगे बढ़ने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बिंदुओं को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है तो उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। अगर हम सुपरसोनिक की बात करते हैं तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर साउंड ध्वनि की स्पीड को एक्सीड करता है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ध्वनि की जो स्पीड है उससे ज़्यादा होता है उसको हम सुपरसोनिक कहते हैं। अगर हम क्रूज मिसाइल की बात करें तो मिसाइल होते हैं जनरली दो प्रकार के होते हैं, क्रूज एंड बैलिस्टिक। दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस है क्योंकि दोनों का जो ऑब्जेक्टिव होता है चीज़ों ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना होता है, लेकिन इनके कार्य करने के तरीकों में डिफरेंसेस होते हैं। जो क्रूज मिसाइल होता है वो वायुमंडल के में ही रहता है, जबकि जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है ये वायुमंडल से बाहर जाता है, इसको 45 डिग्री पर लॉन्च होता है और फिर ग्रेविटी की वजह से ये ऑब्जेक्ट को हिट करता है। अगर हम क्रूज मिसाइल की बात करें इसको डिटेक्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है उसको आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि जो क्रूज मिसाइल होता है वो सतह से हार्डली 15-20 किलोमीटर पे होता है, तो इसको डिटेक्ट करना रडार के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो क्रूज मिसाइल है उसमें वॉरहेड जो होता है उसको कम मात्रा में होता है कंपेयर टू द बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये कुछ अंतर है बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल। साथ में हम लोगों ने ब्रह्मपुत्र रिवर की बात करी तो एक
ट्रांस बाउंड्री रिवर है, मतलब इसका जो उद्गम है भारत में नहीं है, तिब्बत में है, और उसको वहाँ पे तसांगपो बोलते हैं। वहाँ से वो अरुणाचल प्रदेश पर एंटर करती है, आसाम होते हुए बांग्लादेश आती है, फिर ये बंगाल की खाड़ी में ये मिल जाती है। इसको हम बांग्लादेश में जमुना भी बोलते हैं। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं। फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। ये जियो पॉलिटिक्स में महत्वपूर्ण हो जाता है। रीजन क्या है कि भारत और जो चाइना है ऑलरेडी कन्फ्लिक्ट है, बॉर्डर को लेकर विवाद है। और अब हाल ही में भारत ने 10,000 सैनिकों का नया जो डिप्लॉयमेंट बॉर्डर पर किया हुआ है, और स्कर्मिशेज होती रहती हैं छोटी मोटी। और चाइना इवन तो अरुणाचल प्रदेश को अपना पार्ट क्लेम करता है। इससे बस इन सब चीज़ों की वजह से भारत और जो चाइना के जो संबंध है बहुत अच्छे नहीं है। बार बार मीटिंग के बाद भी जो डिस इंगेजमेंट ऑन बॉर्डर है, मतलब बॉर्डर पर जो सैनिकों का स्टेशन जो सैनिक है उनका हटाना अभी बाकी है। तो सिचुएशन काफ़ी मतलब सीरियस है। साथ में जो फिलीपींस है उसका भी चाइना के साथ संबंध अच्छे नहीं है। मैरिटाइम डिस्प्यूट है, मतलब समुद्री जो एरिया है उसको लेकर विवाद है चाइना से। इस संबंध में महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत ने जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसको फिलीपींस को दिया है। भारत ने एक नेवी का क्राफ्ट भी वियतनाम को दिया है। तो ये सब चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर हम सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति की बात करें, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी एक महत्वपूर्ण समिति है। इसका जो नेतृत्व होता है प्रधानमंत्री करते हैं। इस समिति में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री होते हैं, और सदस्यों को भी बुलाया जा सकता है अगर इसकी ज़रूरत पड़ी तो। ये जो समिति होती है काफ़ी सुरक्षा मामलों में काफ़ी महत्वपूर्ण डिसीजन लेती है, काफ़ी महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट भी करती है। ये समिति काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम मंत्रिमंडल समितियां या कैबिनेट कमिटीज की बात करें तो 8 प्रकार की होती हैं। 6 कमेटियों को जो लीड करता है, नेतृत्व करते हैं प्रधानमंत्री करते हैं, एक्सेप्ट आवास समिति, कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन और कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, संसदीय मामलों समिति। ये जो 2 कमेटियाँ होती है प्रधानमंत्री नहीं करते हैं, मतलब 6 कमेटियों का नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। और आवास संबंधी समिति होती है कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन, ये गृह मंत्री होम मिनिस्टर करते हैं। और संसदीय मामलों की जो समिति होती है कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्री करते हैं। तो ये 2 इम्पोर्टेंट कमेटियाँ हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा कि कैबिनेट कमेटी के बारे में पढ़ा, कितने प्रकार की कैबिनेट कमेटीज हैं तो होती हैं, और उसका नेतृत्व कौन करता है। साथ में हमने ब्रह्मोस एक्सटेंडेड मिसाइल के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।